नमस्कार किसान साथियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिन फार्मिंग यानी कि थेंद खेती बाड़ी में आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में एन पी के लिक्विड की स्प्रे के बारे में उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तथा साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए किसान भाइयों आज बात कर रहे हैं एन पी के कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की स्प्रे के बारे में हमारे बहुत से किसान भाई इस लिक्विड की स्प्रे करते हैं तथा यह कई रेशियो में आता है जैसे उन्नीस 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 के रेशियो में बीस 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 के रेशियो में तेरह तैतालीस तेरह के रेशियो में तेरह तैतालीस जीरो के रेशियो में जीरो बावन चौंतीस के रेशियो में जीरो जीरो पचास के रेशियो में हमारे किसान भाई इस लिक्विड यानि कि अनुपीके की स्प्रे करते हैं लेकिन वे इस बात को नहीं जानते कि कौन से रेशियो वाले एनपीके की स्प्रे कब करनी है जैसे इस समय धान में गेहूं में बालियां निकलने को हैं तो हमारे किसान भाई एनपीके की स्प्रे कर रहे हैं उन्नीस 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 स्प्रे किए जा रहे हैं लेकिन नहीं किसान भाइयों आपको बता दूं यदि आप इस समय यानी कि 10 जनवरी की, की करीब एन की स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आपको कौन से एन पी के रेशियो की स्प्रे करनी है जिन भी किसान भाइयों ने 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर या 10 नवंबर तक गेहूं की बिजाई की है वे चाहते हैं कि गेहूं में दाना मोटा चमकीला तथा निरोग हो तो वो गेहूं में एनपीके की स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों आपको कौन से एनपीके की स्प्रे करनी है तो आपको इस समय जीरो बावन चौंतीस की स्प्रे करनी है अगर बात करें कि कब करनी है तो किसान भाइयों इसमें कोई दिनों का फिक्स नहीं होता कि इतने दिन बाद करनी है इतने दिन बाद करनी है क्यों क्योंकि अक्सर हर खेत हर मौसम और हर बीज की वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है आपको ध्यान ये रखना है कि गेहूं में सबसे पहले एक गांठ पड़ती है उसके बाद उसमें दो गांठें पड़ती हैं फिर जब आपको ये महसूस हो कि गेहूं में अब 10 से 15 दिन बाद बालियां निकल आएंगी तो आप एन पी के स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों यदि आप इससे पहले एन पी के की स्प्रे करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा लेकिन हंड्रेड परसेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा इसके साथ साथ यदि आप बाली निकलते समय स्प्रे करते हैं तब भी आपको इसका फ़ायदा तो मिलेगा लेकिन हंड्रेड परसेंट फायदा नहीं मिलेगा यदि आप अपने खेत में जीरो बावन चौंतीस एन की स्प्रे करते हैं तो आपके गेहूं का दाना मजबूत होगा वह निरोग होगा तथा आपकी जो औसत तो उत्पादकता है यानी कि गेहूं जो प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उपज है वह बढ़ जाएगी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद